हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। 21 22 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहले क्वेश्चन है, इन लद्दाख द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 बिगिंस फ्रॉम विच डेट। आपको बताना है लद्दाख में पहला एडिशन फिल्म फेस्टिवल 2021 का किस डेट से स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शंस हैं 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, 24 सितंबर से लद्दाख में पहला एडिशन द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों यहां पर ये याद रखें कि ये जो फेस्टिवल है ये 5 दिन तक चलेगा और इसमें 12 हिमालयन स्टेट्स और यूटी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। इस फेस्टिवल के इनॉग्रेशन के मौके पर इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, वो इस पे चीफ गेस्ट के तौर पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज डिक्लेयर्ड कूपर मशीर और कटले एज इट्स स्टेट फिश। आपको बताना है हाल ही में किस रियासत या यूनियन टेरिटरी ने कुपर मशीर या जिसे कटले कहते हैं उसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया। ऑप्शंस है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप्स। आपको बताना है हर घर के दरवाजे तक इंसाफ को पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया। ऑप्शन है आपके पास घर घर इंसाफ, इंसाफ एक पहल या फिर ई जस्टिस। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, एक पहल। दोस्तों एक पहल में लोगों को टेली लॉ के अंडर खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर इन लोगों को इंडिया के पैनल ऑफ लॉयर्स की मुख्तलिफ तरह की एडवाइसेस और कंसल्टेशंस दी जाएंगी। फिलहाल इंडिया में 51,434 कॉमन सर्विसेज सेंटर्स खोले जाएंगे 50,000 ग्राम पंचायत में, जिनमें तकरीबन 633 डिस्ट्रिक्ट्स और 34 स्टेट्स और रियासतें जो हैं वो शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टू चिली सिराराखोंग चिली एंड तेमंगलोंग ऑरेंज हैज रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग। आपको बताना इनमें से किस रियासत के दो मिर्चों को जिनके नाम है सिराराखोंग और तेमंगलोंग ऑरेंज, इनको जीआई टैग मिला। ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर या फिर बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, मणिपुर के दो मिर्चों को जीआई टैग मिला, इनके नाम है सिरारा खोंग चिली और दूसरे का नाम है तेमंगलोंग ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज इनोवेटेड लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन ड्रॉपलेट्स। आपको बताना इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर को इनोवेट किया, और ये जो जनरेटर है ये ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉपलेट्स से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी रोपार। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, आईआईटी दिल्ली ने लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर को डेवलप किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक पैन विथ आधार। आपको बताना है पैन को आधार से लिंक करने के लिए सेंटर ने क्या डेडलाइन रखी है। ऑप्शन है आपके पास 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 या फिर 31 मार्च 2025। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए। सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो लास्ट डेट रखी है वो है 31 मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंटर ऑफ द इंडियन क्रिकेट मेन्स टीम फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021। आपको बताना है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर किसको नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास सौरव गांगुली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमिलन कौर बियानस ऑफ पंजाब हैज क्रिएटेड ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स 1500 मीटर रेस एंड वन विच मेडल। आपको बताना है हरमिलन कौर बियानस जो कि पंजाब की रहने वाली है, उन्होंने इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया है महिलाओं की 1500 मीटर रेस में। ये रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने कौन सा मेडल जीता। ऑप्शन है आपके पास गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा गोल्ड। दोस्तों यहां पर आप ये भी याद रखें कि हरमिलन कौर ने ये रिकॉर्ड 60th नेशनल ओपन एथलीट की चैंपियनशिप जो वारंगल में हुआ 16 सितंबर 2021 को मैं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। आपको बताना है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया किताब इनमें से किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके पास अरुण कुमार, डॉक्टर प्रबलीन सिंह, किरण सूरी या फिर अरुंधति रॉय। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, डॉक्टर प्रबलीन सिंह। दोस्तों याद रखें कि इस किताब को गुरु तेग बहादुर के 400वीं बर्थडे के मौके पर रिलीज किया गया और इस किताब को इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021। आपको बताना है साल 2021 के लिए एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती। ऑप्शन आपके पास मिलानी कुमारी, सविता जैन, हर्षुल मेहता या फिर पंकज अडवाणी। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड प्रगति फॉर इट इज डेवलपमेंट ऑफिसर्स। आपको बताना है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की एक मोबाइल ऐप प्रगति जिसका नाम है अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। ऑप्शन है आपके पास DRDO, नीति आयोग, LIC या फिर HDFC। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आपको बताना है पंजाब के पहले दलित चीफ मिनिस्टर इनमें से कौन बने। ऑप्शन है आपके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी या फिर सुखबीर सिंह बादल। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्शन हैं आपके पास DRDO, नासा, माई गव या फिर नीति आयोग। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, माई गव। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।